नमस्कार, रूस्टर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चार साल पहले जब मोदी सरकार बनी थी तो इस तर्ज पर बनी थी कि जो काला पैसा है, काला धन है, जो विदेशी बैंकों में भरा पड़ा है, वो वापस लेके आया जाएगा। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन पिछले साल के आंकड़े यानी डीमोनेटाइजेशन के बाद की एक खबर है कि 50% और बढ़ गया है, यानी 7,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ पिछले साल वहां पर जमा हो गए हैं। आखिर ये डिमोनेटाइजेशन के बाद ही क्यों जमा हुए हैं इतना ज्यादा पैसा, इतनी ज्यादा बढ़ोतरी कैसे हो गई? जब इस पे हमने आगे बातचीत करी तो ये समझ में आया कि ये जो निवेश है, लोगों ने कहा, यानी जो बीजेपी के नेता हैं ये कह रहे हैं ये निवेश का पैसा है। आखिर अगर स्विस बैंक में जाके निवेश हो रहा है तो भारत के बैंकों की हालत इतनी खराब क्यों है, ये सोचने की बात है। भारत के बैंकों की दशा इतनी ज्यादा खराब है कि एनपीए हर महीने बढ़ता चला जा रहा है। अरुण जेटली साहब का ये कहना है कि जो लोग इस तरह की खबरें बता रहे हैं, छाप रहे हैं, उनके पास पूरी जानकारी है नहीं। स्विस बैंक और भारत के साथ जो करार है उसमें ये कहा जाता है कि जनवरी के महीने तक स्विस बैंक आपको कोई जानकारी नहीं देगा, लेकिन जनवरी 2019 के बाद ये जो जितनी भी तमाम जानकारियां हैं ये साझा कर देगा। तो अरुण जेटली साहब के पास भी इसकी पूरी जानकारी अभी तक नहीं है, अगर है तो वो अभी बता नहीं रहे हैं। इसके उलट एक और चीज अगर आपको हम बताएं तो 750 करोड़ रुपए जो है अहमदाबाद में कोऑपरेटिव बैंक है वहां पर जमा होते हैं, जिनके जो अध्यक्ष हैं वो हैं अमित शाह, जो कि बीजेपी के भी अध्यक्ष हैं। ये जानकारी हमें प्राप्त हुई आरटीआई के मुंबई बेस्ड कार्यकर्ता जिनका नाम है मनोरंजन राय, ठीक है, उन्होंने एक आरटीआई दाखिल करी थी जिसमें उनको ये तमाम चीजें मिली। 8 से 13 नवंबर के बीच की बात है, एक और बैंक जो कि गुजरात में ही है, राजकोट में, वहां पर भी 643 करोड़ रुपए जमा हो जाते हैं। वहां के जो अध्यक्ष हैं वो है विठल भाई रडाड़िया जी, जो कि गुजरात बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। वहां पर 643 करोड़ रुपए जमा हो जाते हैं, यानी कुल मिला के तकरीबन 1400 करोड़ रुपए इन दोनों कोऑपरेटिव बैंक्स में जमा होते हैं, जो कि देश में सबसे ज्यादा किसी बैंक ने जमा कराए हैं। अगर वो जमाना आप देखें तो एक इंसान को सिर्फ 4000 रुपए तक बदलने की इजाजत मिली थी। तो आखिर ये इतना सारा पैसा एक साथ कैसे बदल गया, यानी वहां पर काले धन को सफेद करने का एक खेल खेला जा रहा था। क्या यही था मोदी जी का ये कहना कि डीमोनेटाइजेशन जो है काला धन मिट जाएगा, यानी काला धन हकीकत में मिटा है? काला धन जिसके पास भी था उन्होंने अमित शाह और विठल भाई के जरिए अपना सारा काला धन सफेद कर लिया। एक और अगर आपको हम बात बताएं, मोदी साहब ने ये कहा था जो जाली नोट है वो भी बंद हो जाएगा, यानी जो जाली नोट है वो भी बंद नहीं हुए, काला धन जो है वो सफेद होने का गोरखधंधा किया गया, और जो यहां से विदेश पैसा जाता था उसमें भी बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। इसके अलावा जो तमाम हमारे चार हीरोज हैं, यानी नीरव भाई, मेहुल चौकसी, ललित मोदी और विजय माल्या, ये चारों के चारों हीरो बने हुए हैं, लंदन में घूम रहे हैं, आजाद हवा में घूम रहे हैं, उनको वापस लाने की ये सरकार कोई भी कोशिश नहीं कर रही है। दूसरी तरफ अमेरिका जो है हम पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप इराक से तेल ना लें, यानी क्रूड ऑयल जो हम इराक से खरीदते आ रहे हैं वो इराक से ना लेकर हम ईरान से या फिर सऊदी अरेबिया से लें। जो भी हमारी रिफाइनरीज हैं वो इराक के तेल के अनुसार बनी हुई हैं हिंदुस्तान में। अगर आपको इराक या फिर सऊदी अरेबिया से क्रूड ऑयल खरीदना पड़ेगा तो इन तमाम रिफाइनरीज की टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ जाएगी, तो उसका जो लागत है वो भी आपके ऊपर ही आएगा, यानी कि तेल की जो कीमत है वो जो बढ़े चली जा रही है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, उसमें और ज्यादा इजाफा होएगा। एक खबर के अनुसार हमें ये भी बताया जा रहा है कि जो हमारी सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो इस पे पहले से ही सोच विचार कर चुकी है कि या तो वो इराक से तेल नहीं खरीदेगी या फिर बहुत कम तेल निर्यात होगा इराक से। एक और तरफ अमेरिका जो हमें यह धमका रहा है कि जो S-400 जो मिसाइल सिस्टम हम रशिया से खरीदने वाले हैं वो हम ना खरीदें रशिया से। जो रशिया और हिंदुस्तान का जो रिलेशनशिप है वो आजकल का नहीं है, ये सालों साल से है। अमेरिका तो बीच में घुस के आया है, जो कि एक समय ऐसा था जो पाकिस्तान के साथ
हाथ मिला के हमारे तरफ आंखें दिखाता रहा है कि आज नहीं, जो सन 71-72 की लड़ाई थी तब से ये जारी है। उस जमाने में जो हमारी जंग चल रही थी, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुए थे, बांग्लादेश बना था, तब अमेरिका ने अपना एक शिप भेजा था यहाँ पर, यानी बंगाल की खाड़ी पर, कि हिंदुस्तान पे हमला करेगा। तब रशिया एक ऐसा देश था जिसने हमारा साथ दिया, उसने ये बोला अगर आप हिंदुस्तान पे हमला करेंगे तो हमारी जो पनडुब्बियां हैं वो जगह जगह आएंगी बंगाल की खाड़ी में, जो आपका जो शिप है, जो अमेरिकन जहाज है, उसको नष्ट कर देंगी। जिससे अमेरिका भयभीत हुआ और अमेरिका को उल्टे पैर लौटना पड़ा। और तब की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो उस समय भी नहीं डरी। और आज जो हमारी सरकार है वो माई बाप करते करते अमेरिका के पीछे भागे चली जा रही है, जैसे कि अमेरिका इनको बहुत ज्यादा कुछ दे रहा है। और हम उन तमाम देशों को ताक पर रखकर इस रिश्ते को बनाना चाह रहे हैं जो सदियों से हमारे साथ खड़े हुए हैं। यानी अगर आज आप देखें हमारे आस पड़ोस के जितने भी मुल्क हैं, वो एक तरह से हमारे को आंखें दिखाने लगे हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ मालदीव की। सन 1917 से 18 के बीच में आटा, प्याज, आलू, अंडे, जो भी कुछ हम एक्सपोर्ट करते थे उनको, वो हमने बंद कर दिए। चाइना ने इस मौके का फायदा उठाया और उसने वो तमाम चीजें वहां पे एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसी महीने की 4 तारीख यानी जून 2018 को वहां के एक मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अहमद निहान, जो हिंदुस्तान आना चाह रहे थे, उनको भी आने से मना कर दिया। इसके जवाब में जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री थी हिंदुस्तान की, उसने ये कहा इसके बारे में हम जांच कर रहे हैं कि आखिर उनको आने क्यों नहीं दिया गया, हमको जैसे ही पता पड़ेगा हम आपको बता देंगे। ये है हमारे देश की चुस्त दुरुस्त एक्सटर्नल मिनिस्ट्री। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल जब 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो सीधे सीधे आते साथ 50% जो एड हम देते थे नेपाल सरकार को या फिर नेपाल को, उस पे हमने कटौती कर दी। उसके अलावा जो भी हम एक्सपोर्ट करते थे, यानी पेट्रोल और बहुत सारी और चीजें जो हम नेपाल को देते थे, वो एक तरफ से बंद कर दिया। और उसके उलट अगर चाइना को देखें तो चाइना ने 250 करोड़ रुपए अपनी एड बढ़ा दी। उसके बाद जितना भी एक्सपोर्ट था, यानी पेट्रोल का और तमाम चीजों का, जो भी पेट्रोल था वो उसने वहां से शुरू कर दिया। उसके इस तरफ अगर आप आए तो श्रीलंका, श्रीलंका में चाइना ने अपना एक एयरपोर्ट बनाया है, एक बंदरगाह बना दी है। वहां पर भी अगर आप देखें तो सीधे सीधे श्रीलंका के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी आपको आंखें दिखाने लगे हैं। पाकिस्तान से हमारे जो रिश्ते हैं वो और खराब हुए हैं, अच्छे तो कहीं से भी नहीं हुए हैं। तो आप कर क्या रहे हैं, 50 से भी ज्यादा देशों की आपने यात्रा करी, सबसे ज्यादा आपने अमरीका के चक्कर लगाए। आज अमरीका आपको एक डेडलाइन देता है 4 नवंबर की कि आप ईरान से तेल लेना बंद कर दें। इस तरफ वो ये कहता है कि रशिया से जो S-400 नामक मिसाइल सिस्टम जो हम खरीदने वाले हैं वो भी ना खरीदें। यानी अमरीका होता कौन है? अमरीका आपको ये बताएगा कि आप किसके साथ रिश्ते रखें और किसके साथ ना रखें। अमरीका आपको ये बताएगा कि कौन सा मिसाइल सिस्टम इंडिया के लिए अच्छा है और कौन सा मिसाइल सिस्टम नहीं है, कहां से आपको पेट्रोलियम निर्यात करना चाहिए और कहां से नहीं करना चाहिए, कौन से देश के साथ आपको बातचीत करनी चाहिए और कौन से देश से नहीं करनी चाहिए। हम एक आजाद मुल्क है, हमें बहुत मुश्किलों के साथ ये आजादी मिली है। बात बात पर जो मोदी साहब हैं वो महात्मा गांधी का नाम ले लेते हैं, ये वही महात्मा गांधी हैं जिन्होंने हमें आजादी दिलाई थी। इस वजह से नहीं कि हम किसी और देश की हर बात को मानते रहें, सर झुकाते रहें। हमें आजादी इस बात के लिए दी गई थी शीश उठाकर, यानी सर उठाकर अपनी आवाज बुलंद कर सके, हम खुली हवा में सांस ले सके। खैर, मोदी साहब जैसा चाहते थे कि काला धन बंद हो जाए, वो काला धन बंद हो गया। और वो काला धन जो था, अमित शाह और उनके कुछ एक साथियों ने मिलकर उसको सारा सफेद कर दिया। जो पैसा हिंदुस्तान में वापस आना था स्विस बैंक से, वो आया तो नहीं, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा हिंदुस्तान से वापस चला गया। उसके साथ साथ कुछ एक ऐसे दलाल भी हमने पैदा कर दिए जो पैसा पोटलियों में बांध कर चले गए, जिनको कहते हैं विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी। ये तमाम लोग तो इतना पैसा लेके गए हैं कि इनको वापस लाने का सरकार कोई सोच विचार भी नहीं कर रही है। आशा करते हैं कि मोदी जी की और उनकी सरकार की थोड़ी सी बुद्धि खुलेगी और वे तमाम चीजें स्पष्ट तरीके से लोगों को समझाएंगे, बताएंगे, एक क्लैरिटी लेके आएंगे कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो
तो उनको लोगों के सामने आके माफी मांगनी चाहिए और ये जो तमाम पैसा है, जो हमारा पैसा बाहर विदेशों में जा रहा है, उसको लौटाने की, उसको वापस लेके आने की कोशिश करनी चाहिए। और ये जो चार हीरोज वहां पे घूम रहे हैं और इनके अलावा और भी जितने लोग हैं, उन सबको वापस लेके आया जाए, इनकी संपत्ति जब्त करी जाए और इनसे पैसा लेने की वो सारी कोशिशें करी जाए जो इन लोगों ने दबा के हड़प के बैठे हुए हैं। बने रहे हमारे साथ रूस्टर न्यूज, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ा हुआ होता है। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।